मात पिता की सेवा जो करते हैं निष्काम, सदियों तक रहता अमर, जग में उनका नाम। ये कथा है, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। मात पिता की सेवा में जिसने हो, मात पिता की सेवा में जिसने सारी उम्र गुजार दी, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्त जनों, आज मैं आपको पुत्र शिरोमणि श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार, जिसने जन्म देने वाले अपने माता पिता को ही साक्षात भगवान माना, जिसने उनकी सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय माना, जिसने मन कर्म वचन से अपने माता पिता की भक्ति वंदना की, जिसकी हर सांस माता पिता का गुणगान करती थी, अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ही जिसने वेद पुराण का सार जाना, उनकी आराधना साधना को ही अपने प्राणों का आधार माना, उस श्रवण कुमार का जन्म कब, कहां और किसके यहां हुआ, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूं। सुन के कथा ये मन मधुबन में सद्गुण का एक पुष्प खिले, हो अपने संग अपनी संतानों को भी इसका ज्ञान मिले। कभी अयोध्या में एक ब्राह्मण संग पत्नी के रहता था, प्रभु सिमरन के पावन सागर में वो हर पल बहता था, हर एक सांस के संग गाता था, हो हर एक सांस के संग गाता था महिमा सृजनहार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी महाराज दशरथ का राज्य था। जैसा कि सर्वविदित है, महाराज दशरथ बहुत ही दयालु, कृपालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में राजा और प्रजा को एक समान अधिकार प्राप्त थे। उसी पावन नगरी अयोध्या में शांतवन नाम का एक गृहस्थ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो शांति प्रिय ब्राह्मण हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहता, कण कण में प्रभु की छवि देखा करता, और उसकी पत्नी भी थी धर्म उपासक, ध्यान प्रभु का धरती थी, हो संग पति के पूजन अर्चन व्रत उपवास वो करती थी, नित्य नियम संयम का दोनों विधिवत करते थे पालन, पालनहार की भक्ति में ही रमा हुआ था उनका मन, हर एक कण में देखा करते लीला उस करतार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। सज्जनों, दोनों पति पत्नी
हर पल प्रभु के ध्यान में मगन रहते, दुनिया का छल कपट, लोभ अहंकार उन दोनों के मन को छू तक नहीं गया था। उन दोनों का ये वैराग्य अनुराग देखकर वन के पंछी, पेड़ लताएं, पुष्प कलियां भी जैसे मंत्रमुग्ध से हो उठते, जैसे वन का सारा वातावरण उनके संग मिलकर प्रभु नाम का उच्चारण कर रहा हो। यूं तो वो संतुष्ट थे, घर में कमी न थी धन धान की हो, पर जब मन को तड़पाती थी इच्छा एक संतान की, करके याद प्रभु को दोनों ठंडियां ही भरते थे। कैसे चलेगा वंश हमारा अक्सर सोचा करते थे, रोग मुक्त तब काया अपनी लगती उन्हें बेकार सी। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। यूं तो उस ब्राह्मण पति पत्नी ने अपने आप को दुनिया के हर मोह से मुक्त कर लिया था, लेकिन वो थे तो संसारी ही ना, इसी कारण हर तरह से संतुष्ट होने के बावजूद कभी कभी उन दोनों के मन में एक संतान की इच्छा जाग जाती। वो दोनों सोचते, प्रभु ने हमें स्वस्थ काया के साथ सब कुछ दिया है, यदि एक संतान भी दे देता तो हमारे वंश के आगे बढ़ने का क्रम भी चलता रहता। वृद्ध अवस्था में हमारी वो संतान हमारी सेवा करती और देह का अंत होने पर वो बालक हमें मुखाग्नि देता, हमारी सदगति हो जाती। भक्त जनों, दोनों पति पत्नी एक दिन ऐसा ही सोच रहे थे कि अचानक वहां देव ऋषि नारद प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा, आप दोनों नैमिषारण्य वन में जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की तपस्या कीजिए, उनके वरदान से आपके यहां पुत्र अवश्य जन्म लेगा और उस पुत्र का नामकरण भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। उन दोनों पति पत्नी ने नारद जी को स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर आपस में विचार विमर्श करने के बाद बैठ के एक पाषाण खंड पे दोनों तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्माय नमो नमः, इस मंत्र का जाप वो करने लगे। ब्रह्म देव थे मन में उनके, नैनों में छवि ब्रह्मा की, तन मन के संग जप तप में तल्लीन थी उनकी आत्मा भी। ना तो थी सुधि अपनी उनको, हो ना तो थी सुध अपनी उनको, ना थी खबर संसार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार। सज्जनों, उस नैमिषारण्य वन की सौंदर्य घटा स्वर्ग से किसी भी रूप में कम न थी। चारों ओर शांति ही शांति थी। इसी वन में एक शिलाखंड पर बैठकर वो ब्राह्मण पति पत्नी ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, इस मंत्र की गूंज से वो पूरा परिवेश भक्तिमय हो गया। कोयल की कूक, भंवरों की गुंजन, पुष्पों की सुगंध भी जैसे इसी मंत्र का जाप करने लगी। वन में विचरते पशु पक्षी भी हिंसा को भूलकर उन दोनों के इर्द गिर्द घेरा डालकर हर विपदा से उनकी रक्षा करते थे। समय बीतता रहा और वो दोनों पति पत्नी गर्मी के संग उनके तन पे सर्दी वार भी करती थी।
आंधी तूफान आते थे, बारिश बौछार भी करती थी। भगवान अपने भक्त जनों की कैसी परीक्षा लेते हैं, सफल परीक्षा में जो होते उन्हीं को फल वो देते हैं। करके दया उन पे है देते, मन चाहा उपहार भी। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। आखिर में उस ब्राह्मण पति पत्नी की कठोर तपस्या सफल हुई और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, शांतवन तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, किंतु एक शर्त पर, और वो ये कि जिस घड़ी तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा उसी क्षण तुम दोनों की नेत्रों की ज्योति जाती रहेगी। तुम दोनों अपनी संतान का मुख नहीं देख पाओगे। भक्त जनों, ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। दोनों सोच में डूब गए कि पुत्र प्राप्ति के बाद हम दोनों अंधे हो जाएंगे, अपने बालक का मुख भी नहीं देख पाएंगे। जीने का सहारा, आंखों का तारा पाने के लिए आंखों को ही गंवाना पड़ेगा। लेकिन भक्तों, धन्य है माता पिता का दिल जो संतान के लिए पहाड़ से भी भारी संकट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी की शर्त सुनी तो ब्राह्मण ने श्रद्धा से कहा, हो पुत्रहीन कहलाने से तो नेत्रहीन होना है भला, नैन हमारे ले लीजिए, नैनों का तारा दे दे हमें, जितना बचा इस जीवन के जीने का सहारा दे दे हमें। ब्रह्मा जी ने उन दोनों की विनती ये स्वीकार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। तो सज्जनों, समय आने पर ब्राह्मण शांतवन की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के वरदान और शर्त के अनुसार नवजात शिशु के प्रथम रुदन स्वर के साथ ही दोनों पति पत्नी की आंखों की ज्योति भी जाती रही। संतान को देखने से पहले ही वो दोनों जन्म भर के लिए अंधे हो गए। उधर नारद जी को योग माया द्वारा ये ज्ञात हो गया कि ब्राह्मण शांतवन के यहाँ पुत्र हुआ है, तो वचन अनुसार वो शांतवन की कुटिया पर पहुंचे। दोनों पति पत्नी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने बालक की हस्त रेखाएं देखी, फिर मन ही मन कहने लगे, बालक के सभी लक्षण ठीक हैं, ये सदाचारी, आज्ञाकारी और ईश्वर भक्त के साथ साथ माता पिता का भक्त भी होगा, परंतु युवा अवस्था में ही मृत्यु लिखी है। यदि मैं ये सत्य इन दोनों नेत्रहीन पति पत्नी को बता दूं, तो ये दोनों चिंता के अथाह सागर में डूब जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले भावी संकट के भय से इन दोनों के प्राण ही निकल जाएं। इसलिए उनका शुभ मंगल और कल्याण सोचते हुए इस कटु सत्य को छुपाते हुए नारद जी बोले, सुनो वत्स, ये पुत्र तुम्हारा जग में बहु यश पाएगा, हो पुत्र शिरोमणि श्रवण कुमार के नाम से जाना जाएगा, सेवा करेगा तुम दोनों की, होगा त्यागी बलिदानी,
इसके नाम से शिक्षा लेगा कलयुग का हर एक प्राणी। युग युग चर्चा करेंगे इसके नेक चलन व्यवहार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्त जनों, देव ऋषि नारद के मुख से अपने बच्चे के प्रति ये सब सुनकर खुशी के मारे उन दोनों की आंखों से जलधारा बहने लगी। मन में विचार आया, काश हम अपने इस सद्गुणी प्रतिभावान पुत्र को एक पल के लिए देख पाते। नारद जी उनकी पीड़ा को समझते हुए भी मौन थे। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो जानते थे, इसीलिए वो दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, बालक श्रवण कुमार मां की गोद में खेलता हुआ, पिता के कंधे पे चढ़कर इस संसार को देखता हुआ धीरे धीरे आयु की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंधे माता पिता उसकी मधुर आवाज सुनकर आत्मविभोर हो जाते। वो मन ही मन अपने बच्चे का काल्पनिक चेहरा देखते और प्रसन्न हो जाते। बचपन से ही श्रवण कुमार में सारे सद्गुण प्रकट हुए, हो सारे लक्षण ने की शराफत के उसको कुदरत ने दिए। त्याग वैराग को धर के मन में ध्यान प्रभु का धरता था, प्रेम भाव से मात पिता की सेवा हर पल करता था। समय जब बीता तो बचपन की सीमा उसने पार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, श्रवण कुमार के माता पिता ने नेत्रहीन होने के बावजूद अपने बच्चे के मन में जब तप, सत्य त्याग, अहिंसा, प्रेम और सेवा भावना के विचार भर दिए थे, और ये उसी का ही परिणाम था कि श्रवण कुमार बचपन से ही अपनी माता पिता की हर आज्ञा का श्रद्धा भाव से पालन करता। वो भूले से भी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसके माता पिता का मन दुखी हो। सूर्य उदय होने से काफी समय पहले ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। श्रवण कुमार प्रभु से पहले माता पिता को करता नमन, हो पूजा हेतु पुष्प बुलेने रोज ही जाता था मधुबन। मात पिता के चरण वो धोकर पुष्प उन्हें करता अर्पण, फिर वो उनको भोग लगाकर अंजल करता स्वयं ग्रहण। मात पिता में देखा करता, हो मात पिता में देखा करता सूरत पालन हार की। कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। तो भक्त जनों, ये थी श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना। जन्म देने वाले माता पिता के लिए उसके मन में कितनी श्रद्धा, कितनी आसक्ति और कितना अनुराग था, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं कि उसकी विरक्ति भक्ति का वर्णन कर सके। माता पिता की सेवा ही उसके जीवन का एकमात्र ध्येय था। अपनी हर एक सांस को
वो अपनी माता पिता का कर्जदार समझता था। उसके रोम रोम में उनकी वंदना अर्चना ही समाई हुई थी। एक दिन श्रवण कुमार के मात पिता के मन में इच्छा जगी, हो सुंदर सी बहु घर में आए, वंश चले कुछ आगे भी। शांत वन का एक मित्र था जिसको श्रवण ही भाता था, बने जमाता श्रवण उसी का, मन ही मन वो चाहता था। पुत्री पुत्र वधू बन जाए शांत वन के परिवार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के पिता का एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी एक युवा सुंदर सुशील कन्या थी। वो चाहता था उसकी पुत्री शांतवन की ही पुत्र वधू बने। श्रवण कुमार जैसा अच्छे संस्कार और विचार वाला युवक ही उसकी पुत्री का वर बने। उस मित्र ने श्रवण के पिता से अपनी ये इच्छा जाहिर की। श्रवण के माता पिता तो अच्छी सद्गुणों वाली पुत्र वधु की आस लगाए बैठे ही थे। अतः एक शुभ मुहूर्त में वो दोनों मित्र समधी बन गए। श्रवण कुमार का उस सुंदर कन्या से विवाह हो गया। श्रवण कुमार के माता पिता धन्य हो गए। पुत्र के साथ पुत्र वधु भी उन्हें बहुत ही सुशील मिली थी। ब्रह्म मुहूर्त में वो नारी निद्रा तज जग जाती थी, हो सास ससुर और पति की सेवा करके धर्म निभाती थी। कुल मर्यादा की रेखा को पार कभी न करती थी। पति चरणन की धूली से ही मांग सदा वो भरती थी। दुनिया करती थी प्रशंसा उस सतवंती नार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। सज्जनों, शांतवन के घर में सुख शांति का वास तो था ही। श्रवण की पतिव्रता और सास ससुर की मन प्राण से सेवा करने वाली पत्नी के आ जाने से वो घर स्वर्ग जैसा हो गया था। भक्तों, समय आने पर जब श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो गए तो दोनों के मन में देश के सभी महान तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा जागी। दोनों पति पत्नी इस विषय पर वार्तालाप करने लगे कि श्रवण कुमार के जन्म से पहले हम दोनों ने सोचा था कि देश के सारे पावन तीर्थों की यात्रा करेंगे, पर अब नेत्रहीन और वृद्ध होने के कारण लगता है हमारी ये इच्छा अब कभी पूरी ना हो पाएगी। शांतवन अभी ये कह ही रहे थे कि श्रवण कुमार वहां आया और विनीत भाव से बोला, पूज्य माता पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार सब तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। शांतवन जानते थे कि इन तमाम तीर्थों की यात्रा कितनी कठिन है, इसलिए वो श्रवण कुमार से बोले, बेटा तुम्हारा तन है कोमल, यात्रा है ये बड़ी कठिन, हो राह में ऊंचे पर्वत होंगे, गुफा कंदरा सागर वन, हिंसक पशुओं से तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, डर है मुझको संग हमारे तुम भी प्राण गवाओगे, खबर नहीं है तुम्हें अभी कठिनाइयों के अंबार की।
कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। अपने पिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्रवण कुमार बोला, पिताजी आपके मन में एक इच्छा जागी है, पुत्र होने के नाते उसे पूरा करना मेरा धर्म है, और धर्म निभाने की राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए मुझे स्वीकार है। शांतवन फिर बोले, पुत्र तुम्हारे मन में माता पिता की सेवा करने की जो भावना है उसकी हम दोनों कदर करते हैं, पर बेटा ये तो देखो हम कितने वृद्ध हो चुके हैं, हम इतनी लंबी यात्रा करने के लायक नहीं रहे, हम दोनों के नेत्र भी नहीं हैं, तीर्थ यात्रा के दौरान हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे, और पुत्र इस यात्रा में तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इस पर श्रवण कुमार बोला, पिताश्री आप वृद्ध हो गए हैं तो क्या हुआ, आपके इस पुत्र में आपकी ही शक्ति है, आप नेत्रहीन हैं तो क्या हुआ, मेरे नेत्रों द्वारा आप प्रभु के दर्शन कीजिएगा। आप कहीं आशीष असंभव को संभव कर जाएगा, हो आपकी सेवा से ही मेरा जन्म सफल हो पाएगा, चंदन काष्ठ की कामर में मैं दोनों को बिठलाऊंगा, कंधे पे लेके वो कामर तीरथ सभी कराऊंगा। इतना कहकर श्रवण कुमार ने कामर एक तैयार की, ये कथा है श्रवण कुमार 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 की। मात पिता की सेवा में जिसने हो, मात पिता की सेवा में जिसने सारी उम्र गुजार दी, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों अपने पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर माता पिता का हृदय गदगद हो उठा, और वो पुत्र की सहायता हेतु भगवान का आभार व्यक्त करने लगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्रवण ने चंदन की लकड़ी से एक कामर तैयार की, उसे खूब सजाया। श्रवण कुमार की पत्नी ने यह सब देखा तो अपने पति के पास आकर विनय पूर्वक बोली, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो साथ आपके आऊं मैं, हो बांट के आपका हर एक सुख दुख पत्नी धर्म निभाऊं मैं, मात पिता की सेवा करूंगी आपके चरण दबाऊंगी, निस्दिन करके दर्श आपके जीवन सफल बनाऊंगी, ऋणी रहूंगी आपने मेरी हो, ऋणी रहूंगी आपने मेरी विनती कर स्वीकार की। कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने जब अपनी पत्नी की ये विनय याचना सुनी तो वो उससे बड़े प्रेम पूर्वक बोला, नहीं प्रिय तुम्हारा कुटिया में ही रहना उचित है, माता पिता और मेरी अनुपस्थिति में तुम कुटिया पर आए ऋषि मुनि और अतिथियों की सेवा करना, ताकि उनका आशीर्वाद मेरी इस तीर्थ यात्रा को सफल करने में सहायक हो। श्रवण कुमार की सुलक्षणा पत्नी ने पति के मुख से जब ये सुना तो
तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और पति के कथन को आज्ञा मानकर उसे शिरोधार्य किया। तब श्रवण कुमार ने माता पिता के चरणों की धूलि मस्तक पर लगाई, प्रभु सिमरन किया और शुभ मुहूर्त में माता पिता को बिठला के कंधे पे उठाया कांवर को। हो कण कण से आवाज ये आई, श्रवण कुमार की जय हो। ऐसा लगा कि दसों दिशाएं पुष्प लगी है बरसाने। ऋषि ये देखा देवलोक के देव लगे सभी मुस्काने। ऋषि मुनियों ने सब गुणियों ने हो, ऋषि मुनियों ने सब गुणियों ने उसकी जय जयकार की। श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की। भक्त तरह तरह के कष्ट उठाता श्रवण कुमार, माता पिता को कांवर में बिठाए सबसे पहले त्रिवेणी संगम पहुंचा, जहां पतित पावनी सकल दुख संताप शाप नाशनी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताएं भक्तों के कष्ट हर रही हैं। उस संगम स्थली को प्रणाम कर श्रवण कुमार ने कहा, हे तीर्थराज, जिस तरह यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम चिरस्थाई है, उसी तरह मेरे मन में भी माता पिता की भक्ति सदा बसी रहे। तब श्रवण कुमार के पिता ने उसे बताया, बेटा श्रवण, ये प्रयाग सब तीर्थों का राजा है। जो लोग यहाँ आकर श्रद्धा से स्नान करते हैं वो अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद श्रवण ने अपने माता पिता को त्रिवेणी में स्नान करवाया, फिर स्वयं भी त्रिवेणी में स्नान किया। ध्यान अवस्था में फिर बैठ के कहने लगा श्रवण का मन, हो हे माँ गंगा यमुना सरस्वती, आपको करता हूँ मैं नमन। पुत्र आपका अति निर्बल है, आप ही देना मुझको बल। आपका शुभ आशीष मैं पाऊं, यात्रा मेरी हो वे सफल। रखनी है ये लाज आपको, रखनी है ये लाज आपको मेरी करुण पुकार की। कथा है श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की ये कथा है, श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने त्रिवेणी के तट पर बैठकर पूरे मनोयोग के साथ गंगा यमुना सरस्वती माँ की आराधना की। उसकी प्रार्थना के करुण स्वर उन तीनों माताओं के कानों में पहुंचे, फिर उन तीनों माताओं का प्रतिनिधित्व करती माँ यमुना उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। श्रवण कुमार ने आंखें खोलकर यमुना माँ को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। इस पर यमुना मैया उससे बोली, पुत्र श्रवण, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तुम्हारी ये यात्रा सफल हुई। श्रवण कुमार ने देवी को प्रणाम किया और उठा के कांवर मात पिता संग फिर वो आगे बढ़ने लगा। हो जंगल जंगल चलता रहा वो, पर्वत पर्वत चढ़ने लगा। सर्दी गर्मी पतझड़ के संग
मौसम आए तूफानी, कितनी भी बाधाएं आई हार न पर उसने मानी। हर एक कष्ट को वो था समझता, लीला उस करतार की। कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, इस तरह यात्रा करता हुआ श्रवण कुमार अपने माता पिता के संग पावन नगरी काशी पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसके पिता ने बताया, बेटा ये काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। ये नगरी तीनों लोकों से अलग है, इसीलिए इस नगरी को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। काशी नगरी का दर्शन और बाबा विश्वनाथ का पूजन सब पापों को हर लेता है। यहाँ के कण कण में शिव शिव की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है। काशी नगरी अविनाशी शिव की एक प्यारी नगरी है। ओ, 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 शिव शिव कहती यहाँ की धरती शिव मैं होके समरी है। यहीं पे भोले भंडारी शिव विश्वनाथ कहलाते हैं। विश्व का पूरा वैभव अपने भक्तों पे बरसाते हैं। यहाँ पे आके भूले प्राणी यहाँ पे आके भूले प्राणी हर विपदा संसार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भगवान श्री विश्वनाथ के मंदिर में मंगल आरती होने के बाद जैसे ही पुजारी आरती का थाल लेकर श्रवण कुमार के पास लाया, तो श्रवण कुमार ने आरती लेने से पहले अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। इस पर पुजारी ने श्रवण कुमार को डांटते हुए कहा, मूर्ख, भगवान विश्वनाथ के दरबार में आकर उन्हें प्रणाम करने से पहले ये किसके आगे माथा झुका रहा है? तब श्रवण कुमार ने नम्र होकर कहा, महाराज, मैं तो साक्षात श्री विश्वनाथ स्वरूप अपने पिता और जगदम्बा पार्वती समान अपनी माता को दंडवत कर रहा हूं। पुजारी की समझ में श्रवण कुमार की बात नहीं आई, वो उसे और भी जोर जोर से भला बुरा कहने लगा। लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। संयोग से स्वयं काशी नरेश भी वहां उपस्थित थे। वो इस विवाद को सुलझाने ही लगे थे कि अचानक वहां भगवान श्री विश्वनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा, निस्संदेह संसार में माता पिता की भक्ति ईश्वर की भक्ति से भी बढ़कर है। फिर वो श्रवण कुमार से बोले, पुत्र श्रवण, तुम्हारी ये यात्रा सफल हुई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्रवण कुमार ने विश्वनाथ को श्रद्धा से प्रणाम किया। हो, फिर से माता पिता को बिठा के कंधे पे कांवर को लिया। देव ऋषि गण सारे उसके इस अभियान को तकते थे। धन्य है ऐसा पुत्र ये कह के उसकी सराहना करते थे। मात पिता के सुख में जिसने सुध बुध अपनी बिसार दी। कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने कंधों पर कांवर उठाए चला जा रहा था। कहीं किसी पत्थर से उसे ठोकर लगती तो उस दर्द को वो चुपचाप सह लेता।
पग में कोई कांटा चुभता तो उसकी चुभन को बर्दाश्त कर लेता। कांवर में बैठे उसके नेत्रहीन माता पिता उसके इन कष्टों को अनुभव करते थे, इसलिए वो जिद करके श्रवण कुमार को स्थान स्थान पर रुकने का आदेश देते हुए थोड़ा विश्राम करने के लिए कहते थे। श्रवण कुमार उनकी आज्ञा का पालन करता। थोड़ा विश्राम करने के बाद वो वन उपवन से फल कंद मूल लाकर माता पिता को भोजन करवाता और फिर कांवर उठाकर आगे बढ़ जाता। भक्तों, इस प्रकार पुत्र शिरोमणि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराता हुआ बद्री धाम जा पहुंचा। बद्रीनाथ वो धाम है भक्तों जो भी यहाँ पे आता है, हो रोग शोक सब मिट जाए, मन वांछित फल वो पाता है। इसी धाम पे श्रवण कुमार भी मात पिता के संग पहुंचा, छू के उस पावन भूमि को फिर उसने प्रणाम किया। नैन में उसके डोल उठी छवि त्रिभुवन के आकार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर श्रवण कुमार के पिता श्रवण से बोले, बेटा ये पावन स्थान भगवान बद्री नारायण जो हर प्राणी का लोक परलोक संवारते हैं उनको बहुत प्रिय है, ये देव भूमि है। हम दोनों ने तुम्हारी सहायता से इस महान तीर्थ की यात्रा भी कर डाली। अब तुम एक काम करो, जिस तरह तुमने त्रिवेणी और काशी का पवित्र जल हमारी आंखों से लगाया था, उसी तरह श्री बद्री नारायण का पावन जल भी हमारी आंखों से लगा दो। पिता की आज्ञा सुनकर श्रवण कुमार ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़कर बद्री नारायण जी का पावन जल ले आया। फिर यकायक भगवान बद्रीनाथ वहां प्रकट हुए और बोले, बेटा श्रवण तुम धन्य हो, तुम जैसा आज्ञाकारी सदाशील पुत्र संसार में न कभी हुआ है न होगा। तुम्हारी संपूर्ण यात्रा सफल हुई, अब तुम माता पिता को वापस ले जाओ। इतना कहकर बद्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और सारे तीरथ कर डाले, ये श्रवण सोच कर धन्य हुआ। हो मात पिता को संग लिए फिर सरयू नदी के तट पहुंचा, कंधे पे जो कांवर थी वो उसने पेड़ के नीचे रखी। इतने में आवाज ये आई, बेटा हमको प्यास लगी, इस कथनी के पीछे क्या करनी थी उस करतार की। कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास क्या लगनी थी, वो तो काल की गति थी। काल ने ही उनके मन में प्यास को जगाया था। ये विधि का लेख था, ये होनी ही थी जो सब करवा रही थी। माता पिता की प्यास बुझाने हेतु श्रवण कुमार हाथ में पात्र लिए जल लेने सरयू नदी की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी समय राजा दशरथ अपने राज्य की प्रजा को हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनका शिकार करने वन को निकले। उन्हीं की खोज करते करते वो सरयू नदी की ओर बढ़े। इधर श्रवण कुमार ने जल लेने के लिए पात्र को नदी में डुबोया
पात्र में पानी भरने के साथ साथ डब डब की एक आवाज सी हुई। राजा दशरथ ने समझा कोई हिंसक जीव सरयू नदी में जल पी रहा है। उसका वध करने के लिए उन्होंने शीघ्र ही शब्द भेदी बाण चलाया और पवन वेग से बाण वो सीधा श्रवण के छाती में जा लगा। हो हृदय विदारक चीख से उभरी श्रवण धरती पे जा गिरा। राजा दशरथ ने सोचा पशु को मैंने है मार दिया। तेजी से वो वहां पे आए दुख से माथा पीट लिया। ये क्या हत्या कर डाली मैंने तो मुनि कुमार की। ये कथा है श्रवण 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 कुमार की। राजा दशरथ ने जब घायल श्रवण कुमार को सरयू के तट पर बुरी तरह तड़पते हुए देखा तो वो भी अपने किए पर बिलक बिलक कर रो पड़े। फिर श्रवण कुमार का सिर अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहने लगी, पुत्र तुम पर गलती से बाण चलाने वाला मैं ही हूं। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, पर मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। महाराज को रोता देखकर श्रवण कुमार कराहते हुए बोला, महाराज आपको रोना शोभा नहीं देता। आपने तो गलती से मुझ पर बाण चलाया, इसलिए आप दोषी नहीं हैं। और फिर संसार का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। मैं भाग्यशाली हूं, जब तक जीवित रहा माता पिता की सेवा करता रहा और अब मृत्यु के समय भी उनकी सेवा में ही हूं। आप कृपया मेरा एक काम कर दीजिए, उधर वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, इस पात्र में जल ले जाकर उन्हें पिला दें और मेरा ये अंतिम प्रणाम भी उन्हें कह दें। इतना कहकर श्रवण कुमार चिर निद्रा में सो गया। श्रवण कुमार की मौत पे भक्तों दसों दिशाएं रोने लगी। हो समय भी शोक में डूब गया और चलती हवाएं रोने लगी। धरती का सीना भी फटा, अंबर का कलेजा हिल सा गया। दयाशील राजा के हाथों कैसा ये अनर्थ हुआ। श्रवण के संग हुई हत्या ममता और लाड दुलार की। कथा है श्रवण कुमार की। ये कथा है श्रवण कुमार की। ये कथा है श्रवण कुमार की। ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, राजा दशरथ दुखी मन से जल का पात्र लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और कांपते हुए स्वर में बोले, माताजी पिताजी जल पी लीजिए। आवाज सुनकर शांतवन बोले, बेटा तू जल ले आया, बड़ी देर कर दी तूने आने में, और तेरी आवाज को क्या हुआ, बड़ी भारी सी लग रही है। भक्तों, महाराज दशरथ कुछ नहीं बोल पाए, कुछ पल खामोशी छाई रही। आखिर माँ बोल उठी, तू कोई उत्तर नहीं दे रहा है बेटा। पिता की आत्मा धोखा खा सकती है, लेकिन माँ की ममता धोखा नहीं खा सकती। तू हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, बता तू कौन है और हमारा बेटा कहाँ है। श्रोताओं, आखिर राजा दशरथ
बोलने पर मजबूर हो गए और रोते स्वर में बोले, आप सत्य कह रही हैं माता, मैं आपका बेटा श्रवण नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। आपके बेटे की मैंने भूल से हत्या कर दी है। इतना सुनते ही उन दोनों नेत्रहीन वृद्धों पर मूर्छा छा गई। राजा दशरथ और भी विचलित हो गए। फिर वो दोनों जब थोड़ा सचेत हुए तो राजा दशरथ ने उन दोनों को संभालते हुए उनसे जल पी लेने का अनुरोध किया। तब भक्त जनों श्रवण कुमार के माता पिता बिलखते हुए कहने लगे, तू हमें जल देना चाहता है ना, तो ला। उन दोनों ने सरयू नदी के उस पावन जल को हाथ में लेते हुए कहा, ये क्या पाप किया है हमसे, पुत्र हमारा छीन लिया, हो नेत्रहीन दो प्राणियों की आंखों का तारा छीन लिया, पीड़ित मन से हम हैं राजन, श्राप तुम्हें ये देते हैं, पुत्र वियोग में तुम भी तड़पोगे जैसे हम तड़पे हैं, अंत समय में पुत्र का मुना देखोगे एक बार भी। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। सज्जनों, इतना कहने के बाद उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ सैकड़ों बाणों से छल्ली हुआ जैसा दिल लिए सोच रहे थे, ये कैसा विधि का विधान है। दुर्भाग्य से आज मैं तीन तीन प्राणियों की हत्या का कारण बन गया। फिर वो भीगे स्वर में बोले, हे श्रवण कुमार के माता पिता, आप दोनों का श्राप मुझे स्वीकार है। और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, राजा दशरथ को इस श्राप का फल भोगना भी पड़ा। भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो पुत्र वियोग में उन्हें तड़प तड़प के प्राण गंवाने पड़े थे। श्रोताओं, माता पिता की सेवा भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। ये कथा है तो त्रेता युग की, लेकिन आज भी कलयुग का हर बेटा इस पर अमल करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आज का बच्चा कल का होने वाला पिता है, इसलिए हर बच्चे को चाहिए वो अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से भक्ति करें, सेवा करें, क्योंकि समय चक्र अनुसार जब वो पिता बनेगा तो उसके बच्चे भी उसकी सेवा करेंगे। और ये तो सर्वविदित है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। भक्त जनों, पुत्र शिरोमणि श्रवण कुमार की इस कथा को हमने सिर्फ सुनना ही नहीं है, इस पर अमल भी करना है। इससे ये शिक्षा भी लेनी है कि हमें अपने माता पिता का मान सम्मान आदर भक्ति सदैव हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन सार्थक हो पाता है। और याद रहे, कर्म की धरती पर जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ समय भी ये कह रहा है। तो सज्जनों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर ये कथा कहने में भूले से कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। भक्तों, श्रवण कुमार सा बेटा हुआ है ना आगे होगा, हो मात पिता की सेवा में जिसने पूरा जीवन भोगा, अपने मात पिता की सेवा जो मन प्राण से करते हैं, नाम उन्हीं का अमर है होता, वो न कभी भी मरते हैं, उनके आगे
छोटी सी है ओ, उनके आगे छोटी है हर संपदा इस संसार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। माता पिता की सेवा में जिसने हो, माता पिता की सेवा में जिसने सारी उम्र गुजार दी, ओ, ये कथा है श्रवण कुमार की, 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 ये कथा है श्रवण कुमार की।